सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेके आया हूँ टेक न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे जियो फोन के अंदर दोस्तों न्यू अपडेट मिला है। दोस्तों दो न्यू अपडेट मिले हमारे को, तो आपको इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा कनेक्शन ऑन करना है, या डेटा कनेक्शन ऑन कर लो, उसके बाद मेन्यू प्रेस करना है। दोस्तों मेन्यू प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको पता है जब जियो फोन के अंदर दोस्तों 2 जनवरी को हॉटस्पॉट मिला था, आपको पता है, तब दोस्तों ये ऐप ना जियो स्टोर के साथ में ये ऐप मिला था, आपको पता है। और दोस्तों वो 2 जनवरी से लेकर दोस्तों 6 जनवरी के बीच के अंदर यानी हॉटस्पॉट को वापस ले लिया गया था, यानी 2 जनवरी को मिला था और 6 जनवरी को वो वापस चला गया था हॉटस्पॉट। तब दोस्तों आपको पता है एक न्यू सॉफ्टवेयर मिला था हमारे को, उस सॉफ्टवेयर के अंदर यह मैसेज वाला ए मिला था, अब 90M मॉडल को छोड़ के यानी अब 10 क्यूब इनके अंदर मिला था, और 90 मॉडल के कुछ मॉडल थे उनके अंदर हॉटस्पॉट मिला था, यह एक पहले ऐप मिल चुका था। तो दोस्तों इस ऐप के अंदर क्या खासियत थी वो आपको आज इसके अंदर दोस्तों अपडेट मिला हमारे को, और एक जियो स्टोर के अंदर दोनों ये अपडेट मिल गए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इस स्टोर को ओपन करना है। स्टोर ओपन करोगे तो दोस्तों आपके सामने स्टोर ओपन करना, आपको पहले स्टोर ओपन करोगे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको, और इस तरह का इंटरफेस मिलने के बाद आपको ऊपर आना है। आपको इसके अंदर दोस्तों एक पहले यानी क्या नाम है फिशर थ्रेड, ये आपको ऐप मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सामने। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, यानी दोस्तों ये एक नया ही ऐप है, इसके अंदर क्या आपको जानकारी पढ़ लेते हैं थोड़ी। फिशर थ्रेड एप्लीकेशन समुद्री मछुआरों के प्रासंगिक जानकारी आसान पहुँच प्रदान करता है, ताकि वे सुरक्षित रूप से मछली सक्षम करें और अपने सुधार टेलीकॉम भी है। ये दोस्तों ये समुद्री मछुआरे के लिए यानी उनके लिए ये दोस्तों ये, और ये इंस्टॉल हो जाए दोस्तों। और आपको दोस्तों और कुछ मिला है क्या वो आपको बताते हैं। और दोस्तों आपको जब हॉटस्पॉट मिला था तो दोस्तों मैसेज वाला ऐप था, वो एक नया ऐप मिला था यानी जियो फोन के अंदर, वो अब 90M मॉडल के अंदर ही मिला था, बाकी मॉडल के अंदर नहीं मिला था, आपको पता है। बाकी मॉडल के अंदर कुछ 3-4 दिन ठहरने के बाद आपको मिला था, यानी 6 जनवरी को मिला था, और वो हॉटस्पॉट मिला था वो 2 जनवरी को मिला था। अब दोस्तों ये मैसेज वाला ऐप है, ये एक नया ऐप के अंदर इसके अंदर नया अपडेट मिला है, तो आपको इसको ओपन करना है इस तरह। यहाँ पे आपको दोस्तों अपडेट मिला, अपडेट कर लो, और यदि अपडेट नहीं है तो अपडेट हो चुका है दोस्तों, छोड़ो बात इसकी। आपको इसे ओपन करना है, इसको मैसेज को ओपन करोगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, मैसेज ओपन हो रही है। दोस्तों मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए मैंने एक बार मोबाइल के नीचे किया है, अब आपके सामने कर रहा हूँ मोबाइल को। देखो अब दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपडेट करने के बाद दोस्तों को न्यू चैटिंग पे आना है। न्यू चैटिंग पे आओगे दोस्तों तो आपको इसके अंदर कुछ मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ जो आपको इसके साथ चैटिंग करनी है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कुछ 3-4 नए अपडेट मिले हैं हमारे को। और आपको मैं बताता हूँ, मैं दोस्तों एक नंबर को चूज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आगे क्या कुछ नया मिलने वाला है और क्या कुछ आगे आपके सामने मिलेगा ऑप्शन। दोस्तों आपको पता है 6 जनवरी को जियो फोन के कुछ मॉडल के अंदर अपडेट मिला था इस ऐप का, तो इसके अंदर क्या था, इसका वर्जन था दोस्तों वो थोड़ा बहुत कम कर दिया था कंपनी ने, यानी पहले इसका वर्जन था 1.7.9.6 ये इसका वर्जन था, अब इसका 1.8.2.0 है इस मैसेजिंग ऐप का वर्जन। दोस्तों मैंने आपको दिल्ली वीडियो भी लेकर रहा था किसके अंदर ये पहले ये ऑप्शन था, यानी ये देखो न्यू चैटिंग पे ले लेते हैं, दोबारा लेते हैं दोस्तों, और मैंने दोबारा दोस्तों आपको दोस्तों अपडेट मिला था हमारे को दोस्तों, तो ये अपडेट वापस ले लिया था और कंपनी ने दोस्तों अब हमारे लिए डाल दिया है ये अपडेट। अब देखो आज से दोस्तों पहले अपडेट नहीं था किया हुआ, तब दोस्तों आपको यहाँ पे ये अटैच वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा था, यानी यहाँ पे अटैच लिखा हुआ है, अब इस अटैच पे प्रेस करोगे
यानी एक बार प्रेस करना है तो यहाँ पे इमोजी सेट कर सकते हैं यहाँ से सीधा डायरेक्ट। इमोजी प्रेस किया यानी यहाँ पे इमोजी वाला जो भी इमेज चूज करेंगे आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं यानी एडिट, यानी यहाँ पे माउस आ जाता है और यहाँ पे करने पे यहाँ पे चला जाता है वापस माउस। और यहाँ पे कंटिन्यू कर दो, ये इतनी सेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, करने चाहते हैं तो कर दो सेंड। चलो इसके बाद काट देते पूरे। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो लेकर आया था उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा था साफ साफ कि यहाँ पे ऑडियो वीडियो शेयर मीडिया, अब वो ऐप इंस्टॉल हुए और यहाँ पे डेटा संपर्क साझा करें, यानी अब जो इसके अंदर संपर्क होंगे वो साझा हो जाएगी। दोस्तों इतने अपडेट तो दोस्तों पहले थे, अब दोस्तों इसके अंदर एक नया और अपडेट मिला है दोस्तों। इतना तो अटैच वाला तो ऑप्शन था ही दोस्तों। आपको पीछे आना है, पीछे आओगे आपको पीछे आना थोड़ा सा, बिल्कुल आपको पीछे आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा सेटिंग। ये सेटिंग्स था दोस्तों ये पहले नहीं था, यानी यहाँ पे क्या है डिलीवरी रिपोर्ट, यानी जब कोई मैसेज सेंड करोगे तो आपको वापस डिलीवर करेगा, यानी उस मैसेजिंग ऐप है दोस्तों उसके अंदर ये ऐसा इस तरह का इंटरफेस है। और ऑटो डाउनलोड फाइल, यानी कोई भी फाइल होगी, यानी मान लो आपका दोस्त है, मान लो वो भेजेगा आपको कोई, मान लो वीडियो भेज देगा तो वो ऑटो डाउनलोड फाइल हो जाएगी यहाँ पे टिक किया होगा, तो यदि नहीं किया हुआ तो डाउनलोड नहीं होगा। और SMS डिलीवरी रिपोर्ट, यानी वो आपको मैसेज सेंड हो गया तो आपको डिलीवरी रिपोर्ट भेजेगा, यानी यह मैसेज खुद कंपनी की तरफ से आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि अगले व्यक्ति के पास मिल गया है अपडेट, अपडेट क्या सॉरी वो मैसेज पहुंच गया। और यह दोस्तों अपडेट था इसके अंदर, और मैंने दोस्तों आपको लिए बहुत दोस्तों अच्छे तरीके से समझाया आपको किस तरह इसे कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। और उस ऐप को और ओपन करते हैं, इस ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। और यह समुद्री जहाज वाले दोस्तों के लिए काम के लिए है, यानी दोस्तों हमारे लिए तो बिल्कुल एक काम का ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे समुद्र लगता ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करने हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद दोस्तों अपना नाम, अपनी उम्र और अपनी ईमेल आईडी, और इसके अंदर वो आपको सेव कर देना है, सेव अपने मोबाइल नंबर को सेव करने हैं। बाद में आगे सेव करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे आगे आगे जमा करें, जमा करोगे अपने ऑप्शन करोगे दोस्तों आगे आपके राज्य है वो जिला वो आपको सेलेक्ट करना है, आपको उसके बाद अपना सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मेरे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ था दोस्तों, मेरे दोस्तों अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैंने सेलेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ जियो फोन के दोस्तों हॉटस्पॉट दोस्तों वो भी अब जल्दी ही मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2 जनवरी को जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट मिला था। कैसे मिला था दोस्तों, मैंने आपके लिए वीडियो भी लिख रहा था और इस लाइव सॉफ्टवेयर भी प्रेस किया था, ये लाइव सॉफ्टवेयर इस पर मैंने प्रेस किया था दोस्तों। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नया यानी जियो फोन अंदर डाउनलोड हुआ था, वो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे यह मैसेजिंग वाला ऐप और हॉटस्पॉट मिला था इंटरनेट साझाकरण, वो ओनली फॉर 90 मॉडल के अंदर ही मिला था, यानी यह अभी मेरे पास 10 की मॉडल है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या क्या कुछ नया मिलता है देखते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ऑटो डाउनलोड का कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं हमारे को दोस्तों, यहाँ पे यह देखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे हमारे को मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पे नीचे आया हूँ, यह रहा दोस्तों यह रहा संदेश, यहाँ पे मोबाइल की पहचान है ओनली फॉर अभी तक तो। और दूसरा यहाँ पे डिस्प्ले अलर्ट, इस अलर्ट पे जाते हैं दोस्तों, और एप अलर्ट कॉल लॉग, यहाँ पे हॉटस्टार, फेसबुक, मनी कंट्रोल, न्यूज़ ठा, व्हाट्सएप, इंग्रू कैलेंडर, खोए पे एक्सप्रेस, गेम चैट, टीवी, यहाँ पे दो मैसेज वाले एप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे एक साथ। सर उसको चूज करते हैं कौन सा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे तो कुछ अपडेट नहीं है दोस्तों, खास अपडेट नहीं मिला है दोस्तों, पर दोस्तों ये दो मैसेजिंग वाले ऐप दोस्तों ये बहुत काफ़ी अच्छा बन गया, यानी दोस्तों ये मैसेजिंग वाले बहुत ही मज़ेदार बन गए हैं दोस्तों। पहले तो भी पिछली बार दोस्तों पता है कि जब भी कोई फेसबुक का मैंने आई डी बनाते थे दोस्तों इसके अंदर मैसेज वाला वो थोड़ा लेटे आता था, यानी थोड़ा समय लगता था, और अब दोस्तों ये जल्दी ही वर्क करने लग गया है, यानी दोस्तों इसका अपडेट था वो कंपनी ने निकाल लिया था।
वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक प्लीज करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। और दोस्तों इतनी दोस्तों मेहनत से मेरी वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, तो इसे ज़रूर लाइक करना और जितना उसके शेयर करना। नीचे कमेंट बॉक्स में मिला दो सारी बातें एक साथ एक स्पेशल लाइक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।